अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने एमएससी जूलॉजी में से कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमैटिक टू बायोलॉजी टॉपिक डिस्कस करना है। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ लाइफ अप टू एक्सटिंक्ट फॉर्म्स। सिस्टमैटिक स्टडी है डाइवर्सिफिकेशन और रिलेशनशिप, ताल्लुक ऑफ लाइफ, यानी तमाम जिंदा चीज़ों का ताल्लुक, फ्राम एग्जिस्टिंग टू एक्सटिंक्ट फॉर्म, यानी मौजूदा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे लेकर और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उन तक की स्टडी है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्राम लैटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड सिस्टीमा। ये जो लफ्ज़ है सिस्टमैटिक्स, ये डिराइव किया गया है लैटिनाइज्ड ग्रीक से, जिसका लफ्ज़ था सिस्टीमा, अप्लाइड टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवेलप बाय लिनियस इन फोर्थ एडिशन ऑफ हिज हिस्टोरिकल बुक सिस्टीमिया नेचर इन 1735। और ये जो टर्म है ये अप्लाई की गई, लिनियस ने अप्लाई की अपनी फोर्थ एडिशन बुक के, अपनी बुक के फोर्थ एडिशन में, जिसका नाम था बुक का सिस्टीमिया नेचर 1735 में। उसके बाद साइंटिस्ट है सिम्पसन, उसके मुताबिक डेफिनेशन क्या है जी सिस्टमैटिक की। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन ही डिफाइंड सिस्टमैटिक एज दैट साइंटिफिक स्टडी विच डील्स विद काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनी और ऑल रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। सिम्पसन कहता है जी ये साइंटिफिक स्टडी है। सिस्टमैटिक क्या है जी? साइंटिफिक स्टडी है जिसमें काइंड और डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है और उनके दरमियान किसी भी या तमाम ताल्लुक जो उनके दरमियान पाए जाते हैं उनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद है जी डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो कुछ इस तरह होगी, इज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल। टैक्सोनॉमी क्या है जी? थ्योरी और प्रैक्टिस है प्लांट को आइडेंटिफाई करने, प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने और आइडेंटिफाई करने का। In fact, taxonomy deal with the principle involved in the study of classification of organism. तो mainly taxonomy में क्या होता है जी? इसमें वो principles involved हैं जो जानदारों की दर्जा बंदी करने में काम आते हैं। It is a functional science. ये functional science है। We deals with identification, जिसमें identification की जाती है, nomenclature नाम दिया जाता है और जानदारों की दर्जा बंदी की जाती है of different kind of organism all over the world. मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। द वर्ड टैक्सोनॉमी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सिस, जिसका मानी है अरेंजमेंट, एंड नोमिस ला। तो ये जी दो लफ्ज़ पे मुश्तमिल है टैक्सोनॉमी, टैक्सिस अरेंजमेंट और नोमिस ला। द टर्म टैक्सोनॉमी ये क्वाइन की थी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब की थी, बयान की थी, टर्म दी थी APD कैंडोल इन 1813 में, 1813 में इस साइंटिस्ट ने ये टर्म डिवाइस की थी। तो अब हम ना मेजर डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स देखना चाहेंगे। टैक्सोनॉमी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक एंड थस सिस्टमैटिक इज़ अ ब्रॉडर एरिया दैन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट ब्रांच है सिस्टमैटिक की, तो इसीलिए सिस्टमैटिक ब्रॉडर फील्ड है दैन टैक्सोनॉमी। सेकेंड है जी टैक्सोनॉमी इज कंसर्न्ड विद नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। टैक्सोनॉमी मुंसलिक है, कंसर्न्ड है, इसका वास्ता है, ताल्लुक है नोमेनक्लेचर, नाम देना, वजात करना, दर्जा बंदी और तशखीस ऑफ स्पीशीज। बट सिस्टमैटिक किस काम के लिए जी? इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड ले आउट फॉर ऑल दीज टैक्सोनॉमिक फंक्शन। जबकि जो सिस्टमैटिक है वो लेआउट प्रोवाइड करती है फॉर ऑल दीज टैक्सोनॉमिक फंक्शन। थर्ड पॉइंट है जी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज इज स्टडी अंडर सिस्टमैटिक बट नॉट इन टैक्सोनॉमी। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज यानी फाइलोजनी स्टडी की जाती है सिस्टमैटिक में बट नॉट इन टैक्सोनॉमी। फोर्थ पॉइंट है एनवायरमेंटल फैक्टर आर डायरेक्टली रिलेटेड विद सिस्टमैटिक बट नॉट इन टैक्सोनॉमी इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड। इन्वायरमेंटल फैक्टर कहता है जी सिस्टमैटिक में डायरेक्टली कोरिलेशन है जबकि टैक्सोनॉमी में उनका इनडायरेक्ट रिलेशन है। टैक्सोनॉमी इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट सिस्टमैटिक इज नॉट चेंज इफ़ इट वाज प्रॉपरली डन।
टेक्सोनॉमी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है जबकि सिस्टमेटिक चेंज नहीं होती। तो ये था डिफरेंस है जी दोनों के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक टू बायोलॉजी, अगर कंट्रीब्यूशन देखना चाहें हम सिस्टमेटिक का बायोलॉजी में, सिस्टमेटिक इज़ की टू अंडरस्टैंडिंग फैसिनेटिंग बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस। सिस्टमेटिक इज़ की टू अंडरस्टैंड, ये जी चाबी की हैसियत रखती है, इसकी अहमियत इतनी है जिस तरह चाबी की है। किस मुतासर कुन फैसिनेटिंग मुतासर कुन बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस जो हमारे इर्द गिर्द है उसको समझने के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टमेटिक की ये अहमियत है। सिस्टमेटिक बेनिफिट द ह्यूमन बीइंग बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लैंडस्केप प्रिजर्वेशन टू फूड सिक्योरिटी। तो सिस्टमेटिक ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट दे रही है कैसे जी, फंडामेंटल नॉलेज प्रोवाइड करके, किस मकसद के लिए जी, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एंड लैंडस्केप प्रिजर्वेशन से लेकर फूड सिक्योरिटी तक। सिस्टमेटिक बायोलॉजी प्रोवाइड द स्किल टू मेक पॉलिसीज फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। तो सिस्टमेटिक जो बायोलॉजी है जी ये हमें स्किल प्रोवाइड करती है, फंडामेंटल नॉलेज प्रोवाइड करती है फॉर पॉलिसी मेकिंग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक टू बायोलॉजी देखें तो वो हम दो हिस्सों में फिर इसको कैटेगराइज कर देते हैं, नंबर वन है जी थ्योरेटिकल बायोलॉजी और नंबर टू है अप्लाइड बायोलॉजी। थ्योरेटिकल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक्स हैज़ प्लेड सम इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ थ्योरेटिकल बायोलॉजी, इम्पॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया है थ्योरेटिकल बायोलॉजी में, सच एज नंबर वन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीशीज। इसने क्या किया जी, जो प्रॉब्लम थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीशीज के, मतलब स्पीशीज की तादाद बढ़ानी है हमने, उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने में हमें मदद दी है। इट इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीशीज एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये क्या करती है जी स्ट्रक्चर ऑफ स्पीशीज और एवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजाहत करती है। नंबर टू मिमिक्री और अदर एवोल्यूशनरी जो एरियाज हैं उसको क्लियर अंडरस्टूड होते हैं थ्रू टेक्सोनॉमी, मिमिक्री और एवोल्यूशनरी अदर एवोल्यूशनरी जो एरियाज हैं वो हम क्लियरली अंडरस्टूड कर सकते हैं टेक्सोनॉमी के जरिए। नंबर थर्ड है इट हैज़ ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस की डेवलपमेंट में इसका कलीदी किरदार है। नंबर फोर टेक्सोनॉमी इज की टू स्टडी ऑफ इकोलॉजी एज नो इकोलॉजिकल सर्वे कैन बी अंडरटेकन अनलेस ऑल स्पीशीज ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर आइडेंटिफाइड। टेक्सोनॉमी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इकोलॉजी की स्टडी में, इकोलॉजी की सर्वे के लिए तब तक नहीं हो सकता इकोलॉजिकल सर्वे जब तक तमाम स्पीशीज किसी भी एरिया की उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई ना किया जाए टेक्सोनॉमी के जरिए। तो ये बेसिकली किसके जरिए हो रहा है जी, सारा टेक्सोनॉमी के जरिए हो रहा है। तो टेक्सोनॉमी की इतनी इंपॉर्टेंस है। नंबर टू है जी अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में सिस्टमैटिक्स प्रोवाइड हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है अबाउट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिस तरह पहले हमने बात की है कि अबाउट कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज़ के लिए। तो अप्लाइड बायोलॉजी में कौन से पॉइंट हैं, नंबर वन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। आप लोग जानते हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रेजेंटली वी आर फेस्ड विद एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ सेविंग आवर क्रॉप एंड ट्रीज फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पेस्ट्स। हम अपने दरख्तों और क्रॉप्स को पेस्ट से बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू नो द करेक्ट नेम ऑफ सच पेस्ट। तो इससे पहले कि हम इन पेस्ट का तदारक करें, इनको रोकथाम करें, हमें सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन करना होगी। तो बिफोर देयर प्रॉपर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन करने के लिए टेक्सोनोमिस्ट हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करके देंगे पेस्ट स्पीशीज़ की, विच इज़ वाइटल फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। जब हमें पहले आइडेंटिफाइड हो जाएंगी पेस्ट स्पीशीज़, हमें पता चल जाएगा कि ये स्पीशीज़ इसके ये करेक्टर हैं, इसकी ये स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं, इसका ये बिहेवियर है, इसका ये नाम है, तब हम उसको बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। सिमिलरली मैनी ऑफ द ग्लोबल प्लांट डिजीज आर कॉज बाय सर्टन वैक्टर्स। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं प्लांट या एनिमल डिसीज में वैक्टर का क्लीदी किरदार होता है डिसीज़ ट्रांसमिशन में। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर वैक्टर जो है ना वाइटल है ब्रिंग द वैक्टर अंडर कंट्रोल बाय किलिंग इट्स ट्रांसमीटर्स। तो अगर हम वैक्टर को आइडेंटिफाई कर लें तो हम उस वैक्टर को ट्रांसमिट करने वाले जो भी एजेंट होगा हम उसको तदारक कर सकेंगे, हम उसको मार सकेंगे। नंबर टू है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल।
कंट्रोल ऑफ लाइफ विद लाइफ इज नाउन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी हमने लाइफ को कंट्रोल करना है थ्रू लाइफ. नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट. हम बजाय के जो कि हमारा कन्वेंशनल तरीका जारी है काफ़ी अरसे से, काफ़ी समय से, जिस तरह आप जानते हैं कि हम केमिकल का यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऑप्शन है जो हमारे पास और जो कि एक एडवांसमेंट है और जो कि सेफ एंड साउंड तरीका है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ मच मोर इकोनॉमिकल देन द केमिकल कंट्रोल, ज़्यादा इकोनॉमिकल है. इन 1940s अ पैरासाइट आर्काइटस इंसर्टस वॉज इंट्रोड्यूस फ्राम अर्जेंटीनिया इंटू USA टू कंट्रोल आर्मी वर्क. एक पैरासाइट है जिसका नाम है जी आर्काइटस इंसर्टस, ये इंट्रोड्यूस किया गया था अर्जेंटीनिया से USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, इस मकसद के लिए आर्मी वर्म को कंट्रोल करने के लिए. आर्मी वर्म हमारी आम जुबान में इसको लश्करी सूंडी भी कहते हैं. तो आर्मी वर्म द सिस्टमैटिक्स आर प्रेजेंटली ग्रेटली इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ पेस्ट एंड डिसीज मोर इफेक्टिवली. तो जो सिस्टमैटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं सिस्टमैटिक्स के, वो प्रेजेंटली ग्रेटली इन्वॉल्व हैं डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम, पेस्ट का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें ये प्लान को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कराने में इनका क्लीदी किरदार अब सामने आ रहा है. नेक्स्ट है जी पब्लिक हेल्थ. टैक्सोनॉमी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आल्सो. टैक्सोनॉमी पब्लिक हेल्थ में यानी आम लोगों की ज़िंदगी में भी क्लीदी किरदार अदा कर रही है. देर आर नंबर ऑफ डिसीज विच आर स्प्रेड बाई मैनी आर्थ्रोपोड. बहुत सारी बीमारियाँ जिनमें जिनको आर्थ्रोपोड जो है ना जी ट्रांसमिशन करते हैं जिनकी. सो आवर कंट्रोल्ड मेजर शुड बी प्लान्ड टू अटैक द टारगेट स्पीशीज. जब हम एक आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये स्पीशीज़ है एनिमल्स की और ये जो है ना जी पैथोजेंस को, ये पैरासाइट्स को ट्रांसमिट कर रही है डिसीज़ काज करने के लिए, डिसीज़ फैला रही है वो वैक्टर, वो पैथोजिन, वो पैरासाइट. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल दे रहा है वो जी आल एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया. जितने भी एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस हैं वो सारे यानी जो मच्छर हैं वो मलेरिया ट्रांसमिट नहीं करते, मतलब प्लाज्मोडियम. दिस स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिबलिंग स्पीशीज. ये जो स्पीशीज है सेवरल सिबलिंग स्पीशीज आर विच फ्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया. उनमें से चंद एक मलेरिया काज कर रही हैं, मतलब प्लाज्मोडियम वो ट्रांसमिट करती हैं ये मच्छर, और वो फिर प्लाज्मोडियम जो है जी अंदर जाके मलेरिया का सबब बनता है. एन एक्सपर्ट टैक्सोनॉमी कैन आइडेंटिफाई दिस पार्टिकुलर सिबलिंग स्पीशीज. अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इंश्योर्स अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल एट मिनिमम कास्ट. जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जी एनोफिलीज की ये जो टाइप है, ये जो स्पीशीज़ है, ये प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर कैरियर का काम कर रही है, तो हम फिर उसको कंट्रोल कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से और मिनिमम कास्ट पर हम उसको बेटर कंट्रोल कर पाएंगे. उसके बाद है जी क्वारंटाइन. मैनी न्यू पेस्ट एंड डिसीज ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग कैन बी स्प्रेड फ्राम वन कंट्री टू अनदर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. क्वारंटाइन में जिस तरह आप जानते हैं बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्लांट्स एनिमल या ह्यूमन की डिसऑर्डर हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैलती हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मीन्स. जिस तरह रिसेंटली कोरोना पैंडेमिक सूरत हाल क्रिएट हुई, ये भी इसी तरह हुआ है. कोरोना जो कहा जाता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोरोना, एक व्यू के मुताबिक कोरोना चाइना वुहान में सबसे पहले सामने आया और दूसरे व्यू के मुताबिक वुहान से पहले अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये केसेस सामने आए, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स थे. तो जैसे भी, चाहे वो अमेरिका में सबसे पहले कोरोना केसेस आए या चाइना में आए, हम इस बात पे नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे इन दो ममालिक में कहीं भी सामने आए पहले, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल गया और अल्टीमेटली कोरोना पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गया. तो क्वारंटाइन जो है ना जी इन हालात में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें गवर्नमेंट्स, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट हैव एस्टेब्लिश क्वारंटाइन लेबॉरेटरीज एट एरोड्रोम, पोर्ट्स एटसेट्रा टू चेक सेट ट्रांसमिशन. तो फिर गवर्नमेंट्स क्या करती हैं जी, अपने पोर्ट्स पे, अपने एयरपोर्ट्स पे, अपने सी पोर्ट्स पे, ड्राई पोर्ट्स पे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़
वहाँ पे एस्टेब्लिश करती हैं ताकि आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा सके और उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें क्वारंटाइन पीरियड में रख के उन्हें विजुलाइज किया जाए, उन्हें एनालाइज किया जाए अगर उनमें कोई इस तरह के पैथोजीन, इस तरह का कोई पैरासाइट्स हैं। तो टैक्सोनॉमिस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज पेस्ट एंड डिजीज। तो बेसिकली वहाँ पे टैक्सोनॉमिस्ट ही काम करेंगे ताकि वो इन पेस्ट की, इन पैथोजीन, इन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर सकें और फिर अपने मुल्क में जो है ना जी इन चीज़ों की ट्रांसमिशन को रोकें। फिफ्थ है जी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। प्रेजेंटली ग्रेट अटेंशन इज बीइंग पेड टू कंजर्व एंड प्रोपगेट वाइल्ड लाइफ। आज की मॉडर्न वर्ल्ड में जब वाइल्ड लाइफ की बिगड़ती सूरत हाल देखा गया है तो अब पूरी दुनिया में से काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग, काफ़ी ज़्यादा ममालिक, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इस बात पे अब जोर दे रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व और प्रोपगेट किया जा सके। तो इनडिस्क्रिमिनेट जो किलिंग है, फेलिंग ऑफ ट्री है, हैव रिजल्टेड इन ग्रेट डिस्टर्बेंस इन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आप जानते हैं जैसा कि दरख्तों की कटाई जो है जो बहुत अरूज पे है आजकल, तो इससे नेचुरल इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब आता है। तो टैक्सोनॉमिस्ट कैन हेल्प ऑल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर बाय आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमिस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कैसे भी कि वो आइडेंटिफाई करेंगे इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली जो इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंपोनेंट है उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे ताकि उनको सेव किया जा सके, प्रिजर्व किया। द टास्क इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। तो पहले आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी तो तभी प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन का अमल आता है। उसके बाद है जी मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन सेडिमेंट्री रॉक गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लोरा और फाना है सेडिमेंट्री रॉक में वो क्लियर पिक्चर देती है सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट के, जो जियोलॉजिकल इवेंट की तरतीब है वो कैसे है और उनकी डिटेल बताती है। तो जब हमें जियोलॉजिकल इवेंट की डिटेल सीक्वेंस का पता चल जाएगा तो तब वो हेल्पफुल है फॉर फ्यूल एंड मिनरल डिपॉजिट की सर्चिंग में, कि उसके बाद हम फ्यूल्स और मिनरल जो है ना जी डिपॉजिट्स को सर्च कर सकें। द पैलेंटोलॉजिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच फॉसिल स्पेसिमेन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एंड थस विल प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट। जब वो इसको एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसके बाद हमें क्लियर जब पिक्चर मिल जाएगी तो तब हम करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट मिलने के बाद हम, एक तो हमें ये नॉलेज मिल जाएगा कि जियोलॉजिकल इवेंट की क्या तरतीब है, मुख्तलिफ इराज़ जो पीरियड्स, जो मुख्तलिफ जो पीरियड्स थे लास्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में उनका पता चलेगा। उसके साथ साथ हमें जब एनिमल्स और प्लांट डिपॉजिट का पता चलेगा, तो क्योंकि आप जानते हैं जब प्लांट और एनिमल डिपॉजिट जहाँ पे हों तो वहाँ पे ऑयल, गैस वगैरह के रिजर्व बाद में वहाँ पे बनते हैं। तो सच वर्क हैव बीन ग्रेटर सक्सेस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अमेरिका। तो मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग की बेहतरीन एग्जांपल हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करने से पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया, तो उसके बाद उसके मुताबिक फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की गई। सेवन है जी नेशनल डिफेंस। आज की मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी इम्पॉर्टेंस, सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है और वो डिफेंस, नेशनल डिफेंस तक आ चुकी है। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग डिसीज वेक्टर एंड पैरासाइट इज एन ऑब्वियस एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक टू नेशनल डिफेंस। इंफॉर्मेशन जब होगी हमें डिसीज़ की, वेक्टर्स की और पैरासाइट की, तो वो ऑब्वियस एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक टू नेशनल डिफेंस। तो हम उसको फिर नेशनल डिफेंस में जो है ना जी उसका इस्तेमाल कर सकेंगे और उसको हम अपने फेवर में यूज़ कर सकेंगे। द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मीन इन द वार इज़ इकोनॉमिकल एंड रिक्वायर अ फ्यू एफर्ट्स इन देयर ऑपरेशन। तो बायोलॉजिकल मीन्स में, यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मीन इन वार, यानी बायोलॉजिकल वार की अगर हम बात करें, तो जो कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड में बातें भी हो रही हैं कि बायोलॉजिकल वार जो है एक दूसरे, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे करता है, वो कन्वेंशनल वार्स वो तो नहीं रही कि अब ये वार हो रही हैं, बायोलॉजिकल वार्स हो रही हैं कि आप पैरासाइट बनाएं, आप वेक्टर बनाएं, आप डिसीज़ पैथोजिन बनाएं और जाके अपने दुश्मन मुल्क में फेंक दें, वहाँ पे जो भी बीमारी है वो स्प्रेड हो और उस मुल्क की पब्लिक भी और सिविलियंस भी और आर्म्ड फोर्सेस भी किल हो जाएं।
मर जाए, डेथ हो जाए उनकी, ताकि उस मुल्क का लॉस हो। तो ये आज मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा है। ये कोरोना की सूरत हाल में भी ये दो चीज़ों को, दो चीज़ें ये सुनने को मिली, ये चीज़ें दोनों के उसमें कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने चाइना पे कोरोना बायो वार की, और दूसरा ये सुनने को मिलता है कि चाइना ने अमेरिका को। तो दोनों मतलब बातें हैं। तो मजीद जो ट्रुथ है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक यूँ कह लें कि एक लोगों के जहन में ये खदशात ज़रूर हैं। तो नेशनल डिफेंस यहाँ तक पहुँच चुका है, तो सिस्टमेटिक इतनी इम्पोर्टेंस है, देख लें आप। उसके बाद है जी, एग्जांपल देना चाह रहे हैं वर्ल्ड। तो जापानीज़ के पेपर बलॉन्स थे, उनमें पेस्ट थे, उनमें पैरासाइट थे, तो जो कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में उन्होंने तबाही मचाई। इवेंचुअली बलॉन वाज रिकवर्ड विद सैंड कंटेन्ड अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अल्टीमेटली बलॉन रिकवर्ड हुआ, जिसमें सैंड का वो भरा हुआ था, उसमें लार्ज नंबर ऑफ शेल थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो टैक्सोनॉमी अमेरिका ने ऑब्जर्व की इन शेल को, और करने के बाद कन्फर्म किया कि दिस टाइप ऑफ सैंड रिप्रेजेंट द मेन आईलैंड ऑफ जापान। जब उन्होंने फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के शेल को भी विजुअलाइज किया, उसको देखा, उसको आइडेंटिफाई किया, और साथ में उस जो सैंपल था सैंड का उसको भी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सैंड का सैंपल है ये मेन आइलैंड ऑफ जापान से ताल्लुक़ रखता है। तो सब्सिक्वेंट बम्बिंग की ऑफ दिस बीच एरिया डिस्ट्रॉयड द बलॉन लॉन्चिंग साइट। उसके बाद अमेरिकन्स ने उसी जो बीच एरिया था जहाँ से बलॉन को लॉन्च किया जाता था, बलॉन लॉन्चिंग साइट थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बम गिरा के वहाँ पर। मोर एवर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल डिसीज वैक्टर इज़ वाइटल टू द हेल्थ ऑफ बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आइडेंटिफिकेशन अगर हम कर सकेंगे पोटेंशियल डिसीज़ की, तो इससे हम बचा सकेंगे अपनी मिलिट्री और सिविलियंस की पॉपुलेशन की जानों को हम बचा सकेंगे। और एट टॉप हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। टैक्सोनॉमिस्ट हैव प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटेक्टिंग सम ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। टैक्सोनॉमिस्ट जो साइंटिस्ट हैं जी, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में। सर्टन पेस्टिसाइड आर एंट्री इन टू फूड चेन ऑफ इको सिस्टम एंड बायो मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड प्लेस एट सर्टन प्रॉफिट लेवल। आप लोग जानते हैं जब पेस्टिसाइड फूड चेन में एंटर हो जाए तो वो सर्टन ट्रॉफिक लेवल में जाकर बायो मैग्निफिकेशन हो जाती है। कंसनट्रेशन जो है ना जी, वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। और क्वालिटी जो है ना जी, क्वालिटी का बढ़ना बहुत खतरनाक है, हत्ता कि क्वांटिटी से भी ज़्यादा। तो हेयर अ टैक्सोनॉमिस्ट कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटेक्टिंग सच प्रॉब्लम एंड कैन टेक इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल। तो टैक्सोनॉमिस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में, और फिर इसको डिफरेंट मेजर से कंट्रोल करने में। प्रेजेंटली वाटर पोल्यूशन इज कंसिडर्ड अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जी। तो सर्टन प्लैंकटन आर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सर्टन प्लैंकटन से हमें पता चल जाता है कि वाटर पोल्यूशन कितनी है। तो मतलब क्योंकि कुछ जो जानदार हैं वो पोल्यूशन सेंसिटिव हैं, तो हम उनकी मदद से वाटर पोल्यूशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म बाय टैक्सोनॉमिस्ट गिव रैपिड इन्फॉर्मेशन ऑफ डिटेक्टिंग पोल्यूशन। तो इस तरह के जानदारों का आइडेंटिफिकेशन जब टैक्सोनॉमिस्ट करेंगे, तो हम रैपिडली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्टिकुलरली वाटर पोल्यूशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है जी, सॉयल फर्टिलिटी। सम ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, सो इट इज़ नेसेसरी टू नो सच एनिमल फॉर देयर प्रॉपर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। कुछ जानदार हैं जी जो सॉयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हम उन एनिमल्स का पता लगाएं, उन एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन करें, और फिर उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें एग्रीकल्चर में, ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो बल्कि इम्प्रूव हो। टेंथ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है जी, इन कॉमर्स मैनी एनिमल एंड एनिमल्स प्रोडक्ट आर यूज कमर्शली बाई ह्यूमन बींग सच एज हनी, सिल्क, लैग, डाइज वगैरह। तो हम ये एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कमर्शियली, जिनमें ये नाम हनी, सिल्क, लैग, डाइज वगैरह लिखे हुए हैं एट्सेट्रा। तो सिस्टमेटिस्ट क्या करते हैं जी, साइंटिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट बाय मैनिपुलेटिंग द यूजफुल स्पीशीज। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं जी, जो यूजफुल स्पीशीज हैं उनके मैनिपुलेशन करते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव हो, हासिल हो। तो यस स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। तो बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है।
इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।